सर बलोच मिसिंग परिषद के वाइस चेयरमैन इस वक्त गुकरताली कैंप से मुखातिब हूँ कि हमारे शुमारे के मुताबिक 3 महीने के तीन महीने में इस वक्त तकरीबन 300 ज्यादा नौजवानों को बलूच नौजवान तालिब इल्म और हर तबके फिक्र के लोगों से 300 के करीब बलूचों को लापता किया गया है और रोजाना की बुनियाद पे 8-10 लोग उठाए जाते हैं, कभी क्वेटा से मस्तों कल्लात मुंगचर बुजदार और मुख्तलिफ जगहों से खासकर मथुरा से बड़ी तादाद में लोगों को लापता किया जा रहा है। जबरी लापता 3 महीने में 300 से ज्यादा है, कम नहीं है हमारे लिस्ट के मुताबिक। और दूसरी बात यह है कि इंतहाई करीबी और मुसद्दका इतला हमें मुझे ये दी गई कि पहले जो लोगों को उठा के ले जाते थे अकूबत खानों में बंद करते थे, टॉर्चर सेलों में बंद करते थे, अभी जो है ना उन्होंने अपनी पॉलिसी इस तरह बदली है कि लापता अफरादों को उठा के उनको शहीद किया जाता है। पहले तो शहीद करके उनको पैंग किया जाता था और उसके बाद सीटीडी वाले उनको उठा के अस्पताल ले आते थे मुर्दाखाने में कि कोई उनका लवायकी ना के उनको ले जाए, इज्जत से दफनाए। लेकिन आजकल उन्होंने अपनी पॉलिसी इस तरह बदला है कि लोगों को मार के बगैर गोरू कफन के किसी गड्ढे में फेंक देते हैं और उन पे मिट्टी डाल के छोड़ देते हैं। ये इंतहाई मुसद्दका खबर है हमारे लिए। अभी हमें रिसेंटली मुझे ये कहा गया, मैं अपने तमाम लापता अफराद के लवाइकिन से अपील करता हूँ कि खुदारा जिसको भी उठाते हैं आप फौरी उनकी रजिस्ट्रेशन कराएं, हमारे पास आए उनके रजिस्ट्रेशन हो ताकि उनको भी पता चले हमें भी पता चले, ताकि ये चोरी चुपके का शहादत बंद हो जाए। इनके इंतहाई बाखबर तरीके से मुझे यानी ऐसे करीबी जरा से मुझे मालूम हुआ है कि आजकल वो लोगों को इस तरह शहीद करके गुमनाम दफना देते हैं। तो मेरी गुजारिश है कि जितने भी हो आप लोग को मुझे पता है कि डराते भी हैं धमकाते भी कि आप कैंप न जाएं, मामा के पास न जाएं, रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं, FIR दर्ज नहीं कराएं, लेकिन खुदा रहा आप ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे। आप लोग बिला खौफ खतर आकर अपने नौजवानों की रजिस्ट्रेशन कराते। बहुत बहुत शुक्रिया।